से ही हो जाता है, झूठ मूठ का मतलब पैसा उसने इन्वेस्ट किया है, आप इसमें वही लोग जाने, अब वो लग गया तो देना पड़ेगा, जानकारी की कमी है इसके लिए इतना सारा ये हो गया। ठीक है, तो इसका वायरिंग करते हैं ना, टीडीसी पैनल से डायरेक्ट देते हैं, टीडीसी पैनल में कमन एनओएनसी ये तीनों पॉइंट जो दिख रहा है ना। हेलो एवरीवन, आज मैं बात करूंगा इस मोटोराइज वाल्व के बारे में। मोटोराइज वाल्व जो है ये कैसे कनेक्शन करना चाहिए, और ये पहले इंस्टॉल था इसके लिए जिस व्हाट्सएप ग्रुप में पूछताछ किया गया था कैसे कनेक्शन किया जाएगा, तो उनसे मैं सारा बातचीत किया हूँ। तो यहाँ पर ड्राइंग बना हुआ है, ये ड्राइंग के हिसाब से आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ड्राइंग में लिखा हुआ देख लीजिए, एल ऊपर में और एन नीचे, नीचे से आप चेक करेंगे तो एन दिया हुआ है ऊपर में एल। तो आपका जो यहाँ पर केबल आएगा, आपका यदि स्टेटस भी लेना चाहते हैं तो आपका 3 कोर प्लस 2 कोर यानी कि 5 कोर चाहिए, और इसमें 230 से आपका ऑपरेट होगा, तो यूपीएस पावर इसमें ज़रूरी है। और ये जैसे आपका इस तरह का 8 वाल्व लगा हुआ, तो आपका मेन एमसीबी बायां तरफ रख दिया है और 8 उसके बाद डीपी स्विच इंस्टॉल किया गया है। तो डीपी स्विच से इसका आउटपुट जो आपका सप्लाई जाएगा ये कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल किया गया है। कॉन्ट्रैक्टर के बाद जो आपका सिंगल सिंगल जितना भी आपका डीपी स्विच इंस्टॉल है, तो 8 कॉन्ट्रैक्टर भी दिया हुआ है। तो 8 कॉन्ट्रैक्टर में उसमें एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर और दिया हुआ है कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए। तो कॉन्ट्रैक्टर से आपका सीधा जो मोटराइज वाल्व है ये आउटपुट पावर सप्लाई जाएगा, और ये जो है डेल्टा पैनल बनाएगा। 8 आपका जो वाल्व है मोटराइज वाल्व है, 8 आपका यहाँ पर सिलेक्टर स्विच दिया गया है। ऑटो से चलाएंगे तो रिमोट द्वारा हम लोग पीएमएस सिस्टम से ऑन करेंगे, और मैनुअल से चलाएंगे तो पुश बटन से ऑन करना पड़ेगा। और ये जैसे आपका देख लीजिए 8 कॉन्ट्रैक्टर इंस्टॉल किया गया है और एक्जुलरी कॉन्ट्रैक्टर ऊपर में दिया हुआ है, और यहाँ से जो आपका आउटपुट सप्लाई जाएगा तो 8 टर्मिनल दिया हुआ है। फेज न्यूट्रल आपका हो गया वाल्व के लिए, लेकिन एक्स्ट्रा और आपको केबल डालना होगा 3 कोर के लिए चाहिए, ओपन क्लोज के लिए, क्योंकि ओपन में भी पावर चाहिए और जब क्लोज करेंगे तो क्लोज में भी पावर चाहिए। तो इसका टर्मिनल ब्लॉक कमांड में भी दिया हुआ है, कमांड टाइप का मतलब एक दिया हुआ है कि कमांड आप दीजिए और आउटपुट आपका 230 चला जाएगा आपका वाल्व में। तो 230 जाएंगे तो आपका ओपन तरफ कनेक्शन करेंगे तो ओपन में रहेगा, और यदि आप उसमें रिले द्वारा करते हैं यानी कि एनसी में डालते हैं हम लोग तो वो क्लोज रहेगा, और यदि एनओ में डालेंगे तो ओपन रहेगा। तो इसलिए 3 कोर चाहिए, और राइट साइड जो है ये आपका कमांड का पॉइंट है, 2 कोर आएगा कमांड देंगे तो फिर आउटपुट आपका 230 चला जाएगा। लेकिन इसको हम लोग क्लोज भी करना है और ओपन भी करना है, और इसका स्टेटस वगैरह नहीं लेना है। तो इसके लिए क्या करना है, 3 कोर केबल आपको डालना पड़ेगा, 3 कोर के बिना आपका ओपन क्लोज नहीं होगा, 3 कोर जरूरी है तभी आपका वाल्व आपका ऑपरेट होगा। और उसमें दिया हुआ है जैसे और कुछ आप चाहते हैं मैनुअल तरीका से, तो उसमें वाल्व के लिए दिया हुआ पॉइंट, यदि हम ओपन करेंगे तो ओपन का बल्ब जलेगा और यदि क्लोज करेंगे तो क्लोज का बल्ब जलेगा। तो उसका वायरिंग डायग्राम उसी के द्वारा आपको मिल जाएगा, तो उसका भी फोटो आपको फिर से चेक कराता हूँ। तो ये ड्राइंग फिर से एक बार देख लीजिए, जो आपका 5 और 6 नंबर है आपका यहाँ पर जैसे बल्ब के लिए पॉइंट दिया गया है, कि जैसे हम अगर एनसी में क्लोज में रखेंगे, क्लोज में रखेंगे तो क्लोज वाला आपका जो वहाँ पर लूप किया हुआ है क्लोज लैम्प, ये 230 से आप ऑपरेट कर सकते हैं। वहाँ से 2 कोर और एक ले जाइए और ले जाके आप इंडिकेटर उसमें जोड़ सकते हैं, और यदि ओपन रखना है तो ओपन का भी आप 5 से लेके जाइए। ओपन रखना है तो 5 से आपका सिंगल कोर केबल जाएगा, और यदि क्लोज रखना है तो 6 से आपका सिंगल कोर केबल जाएगा, सिंगल कोर आपका केबल जाएगा 6 से और 5 से। तो यहाँ 2 कोर और आप डाल सकते हैं, 2 कोर डालने के बाद फिर आपका मतलब इंडिकेटर अगर स्टेटर पैनल में देते हैं तो हमारा जो वाल्व है तो ओपन इंडिकेशन आएगा, और यदि क्लोज है तो क्लोज इंडिकेशन आएगा। तो ये आपका मतलब डेल्टा पैनल में आपका शो करेगा, लेकिन ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, खाली क्या है कि मतलब कमांड दीजिए आउटपुट आपका 230 पावर जाएगा कॉन्ट्रैक्टर से, और ओपन क्लोज का यहाँ पर कोई मतलब स्टेटस भी नहीं। ऊपर में इसका ओपन क्लोज के लिए भी दिया गया है, उसको भी आपको दिखा देता हूँ। तो बीएमएस में इसका स्टेटस देख लीजिए, यहाँ पर जो है कॉमन लिखा हुआ 7 में कॉमन है, और जो ओपन स्टेटस चाहिए तो आपका 8 में कनेक्शन करेंगे, 7 और 8 2 कोर केबल जाएगा, डिजिटल इनपुट में कनेक्शन होगा, ये आपका ओपन स्टेटस हो गया। यदि क्लोज स्टेटस चाहिए तो और एक केबल चाहिए डालना पड़ेगा सिंगल कोर का, तो 3 कोर यहाँ डालेंगे तो ओपन स्टेटस मिलेगा, क्लोज स्टेटस मिलेगा आपका बीएमएस सिस्टम में, दोनों आपका डीआई पॉइंट रहेगा, लेकिन खाली ओपन रखेंगे तो मिल जाता है हम लोग को, बाकी जैसे क्लोज रहेगा तो इंडिकेशन मिल जाता। तो इस हिसाब से डाला जाता है आपका डीडीसी से आपका वाल्व एक्चुएटर पॉइंट। तो उनको मैं सारा जानकारी दे दिया हूँ कि 3 कोर का आपको केबल डालना होगा, लेकिन उन्होंने बताया कि 2 कोर का डाला हुआ है, तो 2 कोर का डालेंगे तो खाली आपको ओपन स्टेटस मिलेगा, ओपन का कमांड दिया जाएगा, क्लोज का नहीं। तो क्लोज करने के लिए आपको 3 कोर का केबल चाहिए, और यदि आप ये सिस्टम कर लेते हैं कि डीडीसी पैनल में सीधा जाके करते हैं, तो 230 का आपका जो यूपीएस पावर सप्लाई हम लोग का आता है डीडीसी पैनल में, वहाँ से लूप करके कमन में दे दीजिए, कमन में देने के बाद फिर एनसी और एनओ को दे दीजिए, तो भी आप कर सकते हैं, लेकिन डीडीसी पैनल में डायरेक्ट ही आपको देना पड़ेगा। जो यूपीएस पावर सप्लाई आ रहा है वहाँ से सीधा हम लोग का 230 जो फेज जा रहा है सीधा वहाँ कनेक्शन कर दिया हूँ कमन पे, और आपका एनसी और एनओ चला गया, लेकिन न्यूट्रल वहाँ नहीं पहुँच रहा, तो न्यूट्रल पहुँचाने के लिए फिर आपका अलग से एक केबल और डालना पड़ेगा। तो 3 कोर का तो जरूरत ही है, 3 कोर का बिना आपका ये वाल्व आपका ऑपरेट नहीं होगा। लोग रिले से एनओ को काट के जब एनसी में देंगे पावर, यानी कि जो आपका आउटपुट उसका जो है दिया हुआ है नंबर जो है आपका ये देख लीजिए, जो 4 नंबर है ओपन में दिया है तो ओपन में काट के फिर क्लोज में देंगे, यानी कि 4 नंबर में जब पावर देंगे तब आपका वाल्व आपका क्लोज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जो मोटराइज जो वाल्व होता है उसमें 3 कोर केबल चाहिए आपका, यदि ओपन क्लोज चाहिए कमांड, और यदि स्टेटस चाहिए तो और 2 कोर चाहिए। और मैनुअल तरीके से करना है तो देख लीजिए, इंडिकेटर का दिया हुआ डेल्टा पैनल से आप इस तरह से वायरिंग कर सकते हैं। तो वायरिंग कैसे होगा ये भी देख लीजिए, जैसे कि वाल्व है ये, तो खाली हम लोग का ओपन क्लोज कमांड देना है,
इसको अपग्रेड करना है। तो इसमें 3 कोर केबल चाहिए, मैं बता दिया। तो उसका वायरिंग किससे किया गया है ये भी देख लीजिए। बाद में उन्होंने बताया इस तरह से वायरिंग किया, पहले तो 2 कोर डाला था केबल, बाद में और एक सिंगल कोर का केबल डालना पड़ा। तो डेल्टा पैनल में हम लोग जब कमांड देते हैं DTC पैनल में, तब इसमें 230 आपका पावर जाता है। तो 230 यदि देता है 3 और 2 में फेज न्यूट्रल दे रहती है, ओपन होगा लेकिन क्लोज भी करना है। तो फिर ओपन में 230 का जो फेज काट के फिर 4 में हम लोग देंगे तब ये क्लोज होगा। तो इसलिए 3 कोर केबल चाहिए, ठीक है। तो क्या किया, तो ये जो डेल्टा पैनल है यहाँ से 230 यहाँ से आउटपुट जा रहा है, जब इसको पैनल कॉन कर रहा है तो 230 खाली आउटपुट जा रहा है। तो फिर इसमें और एक का 230 चाहिए, तो क्या किया, जो कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है वहाँ से एक NC पॉइंट दिया है, NC पॉइंट सीधा ले जाके 4 में कनेक्शन कर दिया है। टर्मिनल ब्लॉक उसमें अभी नहीं लगाया था, तो NC पॉइंट यहाँ पर दिया गया। तो अभी देखिए कुछ इस तरह का कनेक्शन होगा, यानी कि जो है बाद में जो NC पॉइंट दिया है उसका कॉन्ट्रैक्टर से मतलब निकाल के दिया है। जब उसका जैसे ऑफ रहेगा कंडीशन, आपका जो कंडक्टर है वो ऑफ रहेगा तो भी NC में आपका पावर जाएगा। तो NC से पावर जैसे आएगा आपका सीधा N4 में जाके पावर दिया हुआ रहेगा, आपका इसमें पावर जाते रहेगा तो क्लोज रहेगा, ठीक है। अब जैसे कंडक्टर को ऑन करेंगे तो NC काट के फिर आपका NO पे पावर जाएगा, इसमें पावर चल जाएगा तो ये आपका ऑन हो जाएगा बल्ब, ठीक है। तो इस तरह से इसका वायरिंग किया गया है। और 2 जो है ये न्यूट्रल का पॉइंट है, तो न्यूट्रल को न्यूट्रल में इस तरह से कनेक्शन कर दिया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा झमेला हुआ, मतलब बहुत सारा चीज़, मतलब सब तो नया था, आपका जो काम करने वाला जो है तीनों नया है, उन लोग को जानकारी नहीं, इलेक्ट्रिकल वाला को भी थोड़ा नॉलेज नहीं था। अगर इस तरह का तो ये टर्मिनल ब्लॉक पहले ही निकाल के रख देता, वाल्व यदि इस तरह का बताया जाता अगर डिपार्टमेंट की, इस तरह का वाल्व है ओपन क्लोज इस तरह से होगा, तो फिर उस तरह का मतलब मॉडिफाई करके पैनल को बना देता। और पैनल जो लगाया मुझे नहीं लगता कि मतलब पैनल का जरूरत पड़ता है, ये डायरेक्ट आपका DTC पैनल से ही हो जाता है। झूठ मूठ का मतलब पैसा उसमें इन्वेस्ट किया है आप, इसमें वही लोग जाने, अब वो लग गया तो देना पड़ेगा, जानकारी की कमी है इसलिए इतना सारा ये हो गया, ठीक है। तो इसका वायरिंग करते हैं ना, DTC पैनल से डायरेक्ट देते हैं। DTC पैनल में कॉमन NO NC ये तीनों पॉइंट जो दिख रहा है ना वहीं से मिल जाता है। UPS लेके फिर 3 कोर का केबल देते हैं तो ऑपरेट हो जाता है। डेल्टा पैनल एक्स्ट्रा लगाने का जरूरत